ग्वालियर में सरकार के लॉलीपॉप भरे विज्ञापनों में दम तोड़ती सरकारी योजनाओं की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत बागबई की यह तस्वीर सरकार के तमाम दावों की पोल और जिम्मेदारों की लापरवाही के साथ भ्रष्टाचार को उजागर कर जमीनी हकीकत बयां कर रही है, साथ ही जिम्मेदारों को सवालों के घेरे में भी खड़ा कर रही है। पूरा मामला ग्वालियर जिले के भितरवार विकासखंड की ग्राम पंचायत बागबई का है। मिली जानकारी के अनुसार यहां पिछले कई सालों से एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र करीब 90 वर्ष है, वह अपने बेटे के साथ झोपड़ी में निवास करने पर मजबूर है। सालों साल गुजरने के बाद भी यहां दो व्यक्तियों के इस छोटे परिवार के पास ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड और ना ही कोई सरकारी दस्तावेज। इन्हें शासन की कोई भी सरकारी योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। हमारी या तो कभी भी गिर सकती है, तो हमारी अगर एक डोकरिया खत्म हो जाएगी तो जाकर लड़का बेचारा मजदूरी करने जाता है तो दिन में शाम को आता है, जब तक ये डोकरिया मलरिया डली रहती है बेचारी। एक दिन डोकरिया बता रही थी कि पानी बस रहा है तो वो भीतर कर ले, और भीतर से पूरी मड़ैया चुचा रही थी। वहाँ जे पता नहीं था कि मैं मड़ैया में हूँ क्या बाहर हूँ। हाँ, इतनी गैर उसी में डुकैया दिया, मैंने उसकी बात सुनी तो मेरा दिमाग खराब हो गया जी। तो मैंने फिर भितरवार से राम कुमार श्रीवास्तव से बोला, मैंने भैया इसके विषय में क्या होना है डुकैया के विषय में, जो तो कभी भी मड़ैया गिर सकती है और कभी भी मर सकती है, तो जाकर जिम्मेदार कौन होगा? अकेली रहती हो? अकेली रहती है तो घर पे। अब जैसे ये अम्मा तो बिल्कुल असाध्य हैं, अब अगर बारिश अभी हो जाए जैसे मौसम हो रहा है तो रहना पड़ता है, घर पे रहना पड़ता है, तो आपकी मजदूरी तो बंद हो जाती होगी, तो इसके लिए आपको कहीं से या अम्मा को कहीं से कुछ मिलता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, नहीं मिलता कुछ नहीं। आज आप कह रहे थे कौन आपको 2000 रुपए कौन देगा? दीवान सिंह। दीवान सिंह कौन है? दीवान सिंह कियोस्क संचालक हैं वो, तो वो पेंशन के आज 6-7 साल से बंद थी, आज चालू आज दे गए, आज दे गए, मतलब उनको कहीं ऐसा लगा कि मीडिया वाले इस मामले को उछाल रहे हैं, तो वो सुबह सबसे पहले आज 2000 रुपए दे। जेएसआर टाइम्स के लिए ग्वालियर से इमरान खान की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।